सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस की तमाम बड़ी जानकारियों को आपको मैं देने वाला हूं। दोस्तों, आखिरकार कमज़ोर पड़ ही गया है यूक्रेन। यूक्रेन के पास कुछ इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ दिन भी लड़ सके रशिया से, लेकिन दोस्तों काउंटर ऑफेंसिव हमला करने के लिए यूरोप के बड़े बड़े देशों ने और ख़ासकर नेटो के देशों ने अपने तमाम हथियार तमाम यूक्रेन को दे दिए थे। कल की रिपोर्ट याद है ना आपको मेरी? कल तक मैंने आपको बताया था कि नेटो के खुद के हथियार खत्म हो गए, हथियार खाने खत्म हो गए। भाई साहब, हथियार खाने में हथियार ही नहीं बचे, ऐसी बढ़ चढ़ कर मदद की है यूक्रेन की। अमेरिका ने अपने तमाम ज्यादातर हथियार, अच्छे बेहतरीन हथियार यूक्रेन को दिए और कहा खुल्लम खुल्ला कि हम उम्मीद करते हैं कि काउंटर ऑफेंसिव हमले में यूक्रेन को एक बड़ी जीत हासिल होगी और हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, दुनिया भर की ताकतें हासिल करने के बाद, यूक्रेन सच में पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जेलेंस्की ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, रिपोर्ट देखिए, बीबीसी को जेलेंस्की ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि काउंटर ऑफेंसिव हमला कुछ ख़ास अच्छा नहीं चल रहा है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि आपके हिसाब से चलेगी, फिलहाल ये जो काउंटर ऑफेंसिव हमला है बेहतर नहीं है। बस यही लाइन पर आप आ जाइए, क्योंकि डिटेल अगर मैं पढ़ने लगूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जेलेंस्की का इस बात का ही बोल देना कि काउंटर ऑफेंसिव हमला सही नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मामला कितना कमज़ोर यूक्रेन का पड़ चुका है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB का पुराना यानी फॉर्मर जो कमांडर है, उसने बड़ी बात कह दी, उसने उल्टा ही बयान दिया। उसने कहा कि रूस का इस जंग को जीतना नामुमकिन है। सुनिए, наш верховный не командующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководство страны к войне, какие бы победы ни одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас? В июне 23 года. Херсон оставлен. इन तमाम चीज़ों के बाद व्लादिमीर पुतिन सामने आए और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी घातक सम्राट मिसाइल बहुत जल्द ड्यूटी पर तैनात हो जाएगी। Укрепление и развитие армии, надежное обеспечение безопасности страны было и остается нашим безусловным приоритетом. С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции, продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. В ближайшее время на боевое дежурство заступит... Удар, дostо, Франц из жанг ко жал се жал хатм карвана чата хай. То Франц Юкрейн ко офер дега, ки ап из жанг ко жалди се хатм кар дидже, иске бадле хам НАТО ки мембершип ап ко денге. Вахи Юкрейн ки тараф се रूस के ऊपर कई ड्रोन दागे गए, यूक्रेन के उन तमाम ड्रोन को रूस ने रोक दिया। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में कंस्ट्रक्शन कैबिन में आग लग गई। आग की वजह रशिया नहीं बता रहा है, लेकिन ये हमले जैसा कुछ नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक और ऐसा देश सामने निकल के आया है जिसने अपनी पूरी की पूरी की पूरी ताकत यूक्रेन को दे दी है, लातविया। जी हाँ, लातविया ने अपने तमाम अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दे दिए हैं, सारे के सारे। यूक्रेन को दोबारा से बनाने के लिए कई सारे देश आगे आए हैं। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने $3 बिलियन का ऐलान किया है कि अगले आने वाले 3 सालों में $3 बिलियन वो यूक्रेन पर खर्च करेंगे, लेकिन यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस से ही करवाई जाएगी। दोस्तों, यही तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने रूस के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुलाकात करी थी
और यूक्रेन को दोबारा से बिल्ड करने के लिए कई देशों ने मुलाकात की है। ये उसी की मीटिंग है जिस रूम में, छोटे से टाइनी से रूम में ये बातें हो रही हैं। कई सारे इसमें देश मौजूद है जिसमें तुर्की के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी मुलाकात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि हमें ये साफ कर देना चाहिए और हम साफ कर रहे हैं कि यूक्रेन में जो तबाही रूस ने मचाई है उसकी बर्बादी को ठीक करने के लिए पैसा रूस को ही देना पड़ेगा। Let's be clear. Russia is causing Ukraine's destruction and Russia will eventually bear the cost of Ukraine's reconstruction. आखिरकार इजराइल और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर्स ने आपस में फोन पर बात करी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने मदद मांगी है, कहा है कि ईरान के ड्रोन के खिलाफ हमें आप हथियार दीजिए। वहीं मैदान जंग में दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। याद होगा कि डैम उड़ाया गया था, किसने उड़ाया नहीं पता, लेकिन डैम उड़ाने की वजह से 85 यूक्रेन के गांव डूब गए। दोस्तों 41 लोगों के मरने की खबर कंफर्म की गई है। कोई डूब के मर गया है, कोई बह के मर गया है, कोई घर जो गिर गया उसमें दब के मर गया है। 41 से 42 लोगों की मौत की कंफर्म खबर आ चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। अमरीका की मिलिट्री ने अपनी ही डिफेंस कंपनी राइथन को नई मिसाइलें बनाने का ऑर्डर दिया है जिनकी कीमत $1.15 बिलियन है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका अपने लिए नहीं बल्कि ये यूक्रेन के लिए बनवा रहा है। दोस्तों ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फरवरी के महीने से ही रूस अपने 4000 टैंक इस मैदान जंग में खो चुका है। उधर मैं अब आपको दिखाऊंगा रूस के डिफेंस सिस्टम किस तरह से अभी भी एक्टिव हैं और बड़ी ही कामयाबी और समझदारी से यूक्रेन की मिसाइलों को मारकर गिरा रहे हैं। 665 улучшилось. 41, 40, 42. 520 наблюдаю. Приготовиться. रूस और यूक्रेन के करीबी देश पोलैंड के एक चर्च में आग लग गई है। आग की वजह अभी सामने नहीं आई है लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उधर व्लादिमीर पुतिन सामने आए हैं और उन्होंने कंफर्म किया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव हमला जो था, जो भौकाल था जिसका, वो पूरी तरह से फेल हो गया है और उल्टा यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत जल्द ये काउंटर ऑफेंसिव हमला उनका ख़त्म होने वाला है। सुनिए उनका बयान। Вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегический резерв. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными, очень являются. Наши мужики наколотили
245 танков против. Удар Америка не 1.3 биллион доллар ки фир се мадад Украин ко дене ка фесла кия хе. Америка ке бомбар пели бар स्वीडन में उतरे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए। रूस के खार्किव के इलाके में गैस पाइपलाइन में ही ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। ब्रिटेन ने बड़ी जानकारी दी है कि नेटो के एयर स्पेस में 3 रूस के फाइटर जेट को हमने खदेड़ा है। उधर रूस के शहर बेलग्रोड पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिससे साबित हो रहा है कि रूस का भी नुकसान बराबर हो रहा है। उधर रूस की पोजीशन यानी रूस के सैनिकों के ठिकानों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। उधर दोस्तों एक बार फिर से वैगनर ग्रुप ने अजीब बयान दिया है, कभी ऐसे बयान हो रहा है इनका। अब इन्होंने कहा है कि वैगनर कह रहा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव हमले पर रूस की गवर्नमेंट बिल्कुल उल्टा बयान दे रही है और मिसलीड कर रही है रूसियों को। यानी वैगनर ग्रुप कहना ये चाह रहा है कि रूस का नुकसान बड़ा हो रहा है। ठीक इसी तरह से रोमानिया, अलग एक देश है, रोमानिया के ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ। अभी तक खबर ये कंफर्म नहीं हुई कि ये हमला है या कुछ और, लेकिन लग हमला रहा है। देखिए वहीं यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों पर बड़े खतरनाक अंदाज में हमला करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन की तमाम जानकारियां यही थी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और रोज अगर आपको रूस और यूक्रेन की जंग की ताज़ा जानकारी चाहिए तो रज़ा ग्राफी पर आइए। जय हिंद।